हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं लवकुश का मंदिर है अमृतसर में, बहुत सुंदर है ये भी। ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये जो लवकुश का मंदिर है, यहाँ पर लवकुश जी का दोनों बच्चों का जन्म हुआ था। ये वही तीर्थ स्थान है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता जी को छोड़कर यहाँ पर गए थे, तो वही ये जगह है। तो उसी के ऊपर ये मंदिर पूरा बना हुआ है। तो मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। प्रसाद मैंने ले लिया यहाँ पर और वहाँ पर आ रहा रो रहा है। एक्चुअली हम ऑटो में ना अंताक्षरी खेल रहे थे और वो चिढ़ गया। मैंने थोड़ा उसके गाने को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो वो चिढ़ गया, रोने लगा। तो वो उधर नाराज चल रहा है। और आप मंदिर देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया। ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, पहले नहीं देखा था मैंने। ये पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर है और सो ब्यूटीफुल, वाओ, बहुत सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर आप अपने पैर धो सकते हो। ओ, ये तो बहुत सुंदर बनाया ना। ये पता है किस तरह रिसेंबल कर रहा है ये वो, हाँ नो स्वर्ण मंदिर नहीं, वो नहीं गए थे हम, अक्षरधाम गए थे, अक्षरधाम दिल्ली में गए थे। है साइडों में है। वाओ, लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल। जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। और यहाँ पर हम प्रतिमा बनाई गई है हनुमान जी की, बहुत बड़ी। और ये मंदिर के अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर बनाया गया है। और फिर हमने चारों ओर से परिक्रमा की और हम सबने यहाँ पर माथा टेका। बहुत सुंदर मंदिर है ना। ये मंदिर बहुत बड़ा बनाया गया है, इसको देखने में हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे इजीली लग गए। बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, ये पानी के बीचों बीच में मंदिर बनाया गया है। और साइड्स में भी आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे, साथ साथ आपको कोई हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा, कोई लक्ष्मी जी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो साइड में भी काफ़ी मंदिर बनाए गए हैं और बीचों बीच में एक बड़ा मंदिर बनाया गया है। राम जी का मुद्रिका का हनुमान जी को सीता रानी, राम जी की जो अंगूठी है वो हनुमान जी सीता रानी जी को दे रहे हैं। और क्या है, ये वही जगह है जहाँ पर लवकुश जी ने घोड़े को पकड़ कर बांधा था। ये बरगद का पेड़ है। ये वो मंदिर है जहाँ पर लवकुश जी पढ़ते थे, उनकी पाठशाला थी। यहाँ पर लवकुश जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ये लवकुश जी है, वाल्मीकि जी लवकुश को पढ़ाते हुए की पिक्चर्स हैं ये। तो निकासी तो दृश्य है। ये है लवकुश जी का जन्म स्थान।
अभी यहाँ पर है माता जी की कुटिया, ये थी सीता माता जी की कुटिया जहाँ पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया था। एक मिनट ये क्या करते हैं? घर बनाते हैं। अच्छा इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब हमने पी रहे हैं गन्ने का जूस। हाँ को काफ़ी देर हो गई हमें पिए हुए, गर्मी बहुत है, आई थिंक टेम्परेचर यहाँ 34 के पास है, तो अभी गन्ने का जूस पी लेते हैं सो दैट कुछ एनर्जी रहे हमारे। थक गए मन्नू? मंदिर ना इतना बड़ा है ना कि हमें 1.5 घंटा हो चुके हैं घूमते हुए और अभी भी काफ़ी बड़ा मंदिर है और मुझे लगता है कि एक दिन तो स्पेशल निकालो इस मंदिर को विजिट करने के लिए। और हमें क्या, हम एक दिन में ही सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं सो दैट कि हम नेक्स्ट जगह हमने एक और जाना है तो वो आज हमारा ये कंप्लीट हो जाए। तो बहुत चल गया है, तो यहाँ का टेम्परेचर 34 हुआ हुआ है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ्लोर भी पूरा गर्म हो रहा है। अभी भी बड़ा है मंदिर काफ़ी, तो जो मेन मेन जो जगहें हैं इस मंदिर की वो मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा मंदिर एक्सप्लोर करूँगी तो बहुत ज़्यादा जो है लंबी वीडियो बन जाएगी। तो जो मेन पार्ट्स हैं यहाँ के वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और पता नहीं वीडियोस कैसी बनी हुई हैं क्योंकि इतनी धूप में ना कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, बट तो जैसी बनी हो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। यहाँ पर भी एक और गुफा है, ये है हनुमान जी का मंदिर है। गाइस ये था हमारा लवकुश का टेंपल और बहुत बड़ा था और काफ़ी अच्छा लगा और सब थक गए हैं और मैं नेक्स्ट व्लॉग इसके बाद शुरू करूंगी क्योंकि एक दिन का ही ये सारा मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ मंदिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।